हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एसएससी फेज 11 के बारे में। जैसा कि आपके एप्लीकेशन स्टेटस आपके जारी हो चुका है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वेबसाइट, तो पूरा प्रोसेस में आपको एक बार स्टार्ट से आपको बता लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको एसएससी चर्च करना है, सभी को पता है। आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन पर आपको जाना है। जब आप एडमिट कार्ड के सेक्शन पर जाएंगे, तब आपको यहाँ पे सारे रीजन के आपको एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे मौजूद मिलेंगे, यानी कि आप एग्जाम डेट भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ईस्टर्न रीजन का आ चुका है, कर्नाटक का आ चुका है, साउथ रीजन का आ चुका है, और आपके वेस्ट रीजन का आ चुका है, और मध्य प्रदेश रीजन का आ चुका है, और आपके नॉर्थ रीजन का आपके आज अभी आया है। तो अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कूपन हो जाएगा। अभी आपके ये एक तो ये आना है नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन, और आपके सेंट्रल रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसका अभी आना है। ये आपको शाम तक देखने को मिल जाएंगे। तो नॉर्थ रीजन में क्लिक करते हैं तो ये आप देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा व्हाट नाउन है स्टेटस पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 2023। तो इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको इसको एग्री करके आपको सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो एक बार मेरे पास कुछ नंबर, तो मैं अपना ही डाउनलोड करके बता देता हूँ एक बार आपको नाम से। तो ऐसे आप सर्च करके आप आराम से ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। तो देखो ये मेरे इतने सारे एग्जाम है मेट्रिकुलेशन में, ER 11 ER 13, इतने सारे लोगों मेरे एग्जाम होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप पूरा अपना पैटर्न आप देख सकते हैं, और मेरा एग्जाम 27 तारीख को होने वाला है। और शिफ्ट यहाँ पे एग्जाम टाइम 9 से 10 बजे तक मेरी शिफ्ट का एग्जाम है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।